दश्त गुरबत में मैं और मेरा यार शबजाद बाहम मिले, यार के पास जो कुछ भी था यार ने गठड़ियां खोल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और लेट व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है। आज हमने कुछ बॉयज़ डे आउट प्लान किया है और मेरे कुछ दोस्त हैं जो न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, मैं ओहायो से जा रहा हूँ। रास्ते में दरमियान में पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है जहाँ पर हम मिड में कहीं पर हम सारे मिल रहे हैं और वहाँ पर कुछ प्लानिंग्स हैं, वो हम आपको मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। मैं निकल पड़ा हूँ घर से और सबसे पहले गाड़ी को रिफ्यूल कराना है, प्रेशर चेक करना है, सारी गाड़ी की चेकिंग करके उसके बाद हम आगे निकलते हैं। आज बड़ा मज़ा आने लगा है, बड़ा अच्छा दिन होगा, इंटरेस्टिंग दिन होगा। अभी इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं। गर्मियों के दिन काफ़ी बड़े होते हैं और मगरिब की नमाज़ तकरीबन 9:30 बजे होती है, तो हमारे पास पूरा एक दिन है। हमने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की हुई है, लेट्स सी हाउ इट गोज। Set to go. मैं पहुंचने लगा हूं मिल्टन स्टेट पार्क में और तकरीबन 5 मिनट दूर हूं। लास्ट 5 मिनट्स में मुझे यहां पे मैंने 3 मौसम देखे हैं और इतना जल्दी मौसम बदलता मैंने देखा है जो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मौसम नहीं देखा। पहले सनी था सब, फिर एकदम काले बादल आए और फिर ऐसी बारिश हुई कि मैं मतलब परेशान हो गया क्योंकि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, शायद गाड़ी रुकनी पड़ जाती। तकरीबन 1 मिनट के दौरान वो बारिश ख़त्म हुई और उसके बाद दोबारा सनी। बहुत अच्छा मौसम है आज और जिस तरह का प्लान था अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो सब कुछ वैसा ही जा रहा है और जगह बहुत खूबसूरत है। मैं कोशिश करूँगा, मैं ड्रोन भी उड़ाऊँ और मैं आपको दिखाऊंगा। मैं मिल्टन स्टेट पार्क पहुंच गया हूं और सुहेल और नवीद ऑलरेडी इधर है। बड़ी प्यारी जगह है, साथ दरिया बह रहा है, आपको जगह दिखाएंगे। लेकिन मौसम फ़िलहाल सनी है लेकिन इधर से बड़े काले बादल आ रहे हैं। सो लेट्स सी, सुहेल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। आप आए, आए काली आती हैं लेकिन चले अच्छा बढ़ा। तो पानी की दो बोतलें ही ले आते, सोडा ले आते, मॉन्स्टर ले आते। ये नवीद भाई जो अभी तैयार हो रहे हैं। क्या हमने एक जगह सेलेक्ट की है, दरिया के बिल्कुल किनारे है। ठहरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दरिया रिवर का नाम मुझे नहीं आता, मैं चेक करके आपको बताऊंगा।
लेकिन जो मसला है वो है बारिश जो आ रही है और हमारे पास शेड नहीं है, दरख्त ही हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, जगह प्यारी है। और जगह से ज़्यादा भी बात यह है कि दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, सोहेल मेरा बचपन का दोस्त है, नवीद से भी काफ़ी अरसे से संगत यारी है, तो अच्छे लोग हों तो ज़ाहिर है जगह कैसी भी हो, जगह मैटर नहीं करती। हैविंग फन, लेट्स सी आगे हमारा बारबेक्यू का प्लान है और कुछ प्लान्स हैं, देखते हैं मौसम कितनी इजाज़त देता है हमें। हाँ भाई मज़ा आ रहा है। आपने चाय बनाई है? साहब आप बैठे ही रहना, कोई काम ना करना। नेक्स्ट टाइम अगर आ गया तो के के साथ ही आज का दिन। सहेल भाई कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का दिन बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। 5-6 घंटे अच्छे गुजर गए। बहुत अच्छे, थैंक यू। आप आए इतने दूर से, हमें भी थैंक यू बोल दें। आपका भी थैंक यू। बड़ा अच्छा दिन गुजरा, लेकिन अभी यह शाम होने लगी है और अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आगे सफ़र भी काफ़ी लंबा है। उम्मीद करता हूँ आप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।